हे hey guys, इफ यू want टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश then प्लीज़ गो बैक एंड चेक आउट my लास्ट वीडियो एंड द लिंक इज given इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below. You यू कैन चेक इट आउट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम अमरतरुपानी है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि आप कनाडा में अपनी फील्ड में कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर आईटी हो या फिर कोई भी और प्रोफेशन और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जॉब ज़रूर मिलेगी क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे मेथड्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने ख़ुद यूज़ किए अपनी जॉब ढूंढने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें क्योंकि आगे जाके मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐड करने वाली हूँ किसी भी नए मुल्क में एज ए न्यू इमिग्रेंट लाइफ स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे मसलों को फेस करना पड़ता है जैसे कि लैंग्वेज बेरियर्स जॉब ढूंढना, घर ढूंढना और ऊपर से कल्चर डिफरेंसेस। लेकिन एट द सेम टाइम कनाडा को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सिस्टम्स बनाए हुए हैं ताकि हमारी ट्रांजिशन जो हो वो स्मूद हो तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे ढूंढी जाती है उसके भी कुछ मैथडोलॉजीज़ और वेज़ होते हैं जो कि मैं कवर करूँगी एक एक करके डिटेल्स में और जब मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया तो मैंने ये सीखा कि जॉब सर्च भी एक बहुत बड़ी जॉब है और उसे मैंने कुछ सबक सीखे जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी सबसे पहले जो चीज़ है आपको एक फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा और उसमें जो है आपको अपनी जो प्रोफेशनल वॉइस मेल मैसेज है वो सेट करना पड़ेगा चाहे वो लैंडलाइन नंबर हो या फिर सेलफोन हो लेकिन आप इंश्योर करें कि आपको जो भी कांटेक्ट करे जॉब सर्च के दौरान वो आपको इजीली कांटेक्ट कर सके ताकि अगर आपसे कॉल मिस भी हो जाए किसी की तो आपके वो वॉइस मेल में सेव हो जाए और आप दोबारा उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकें तो इसीलिए आज ही एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखें और अपना वॉइस मेल रिकॉर्ड कर दें अपने फ़ोन नंबर में ताकि फ्यूचर में आपसे कोई भी कॉल मिस ना हो सके और मोस्टली कंपनीज जो हैं अपना नाम भी छोड़ देते हैं अपने वॉइस मेल में तो जब आप कांटेक्ट करें उन्हें दोबारा तो आपको मौका मिल जाता है उस कंपनी को रिसर्च करने से पहले जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना वॉइस मेल सेट करने के बाद आपका दूसरा जो काम होगा वो है एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर ढूंढना जो कि आपके घर के करीब हो और उसके लिए बहुत ही इजी स्टेप्स हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जिसका नाम है सी आई सी डॉट जी सी डॉट सी ए और सर्च बॉक्स में आप टाइप करें फ्री सर्विसेज फॉर न्यू कमर्स और उसके बाद सर्च का बटन दबाएं और आपको ये इस पेज पे लेके आएगा जिसका आप फर्स्ट लिंक जो है वो क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पे आ जाएंगे और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद इस बॉक्स में आप अपना पोस्टल कोड या फिर सरी नेम लिख सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं या फिर आप रहने का प्लान कर रहे हैं और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे हेल्प फाइंडिंग अ जॉब ऑप्शन और क्लिक करें फाइंड उसके बाद ये आपको कंप्लीट लिस्ट दे देगा आपके घर के करीब जो भी एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं ये जो एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर्स होते हैं ये आपको मदद करते हैं आपकी जॉब सर्च करने में जैसे कि ये आपको डिफरेंट रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग करते हैं और ये पूरी की पूरी जो सर्विसेज हैं फ्री ऑफ चार्ज हैं और मेरे घर के जो करीब सर्विस सेंटर था वो था जे और वहाँ पर मैं गई थी और उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जैसे कि रज़ और कवर लेटर बनाना उसके अलावा इंटरव्यू स्किल्स सिखाए और इंटरव्यू में क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए ये भी सिखाया और बहुत सारी वर्कशॉप्स भी अटेंड की ताकि मुझे कनाडा में जो जॉब सर्च की स्ट्रेटजीज़ हैं वो पता पड़ सके आपको बस इतना करना है जो भी एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर आपके घर के करीब है उनकी वेबसाइट पे जाएं अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करें फिर वो आपको खुद ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे मिलने के लिए और आपको फर्दर स्टेप्स बताएंगे इन एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर्स में आपको एक पर्सनल जॉब कंसल्टेंट भी असाइन करते हैं जो कि आपको मदद करेगा आपकी रेजूमे आपके कवर लेटर बनाने में मुझे भी एक पर्सनल कंसल्टेंट असाइन हुई जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरी रेज्यूमे और कवर लेटर बनाने में और मुझे ये बताया कि मुझे आगे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जॉब सर्च के लिए और अगर आप मेरी तरह रेज्यूमे बनाना चाहते हैं तो गाइज इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और अपना रेजूमे का जो टेम्पलेट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वो ले सकते हैं अपनी रेजुमे बनाने के लिए तो इसीलिए गाइस अगर आप कनाडा में नए आए हैं तो मैं आपको ज़रूर ये रेकमेंड करूँगी कि आप किसी भी करीब के एम्प्लॉयमेंट सेंटर में जाएं और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और उसके अलावा आपको डिफ़रेंट लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा आपके कनाडा में नए दोस्त बनेंगे और आप लोगों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा नेक्स्ट जो मैंने काम किया था वो ये कि मैंने अपना पब्लिक लाइब्रेरी कार्ड जो है वो बना बनवा लिया था जल्दी से क्योंकि इसके थ्रू आप एक ऑनलाइन डेटा बेस को एक्सेस कर सकते हैं जिसका नाम है स्कॉट्स डायरेक्टरी ये एक ऐसा डेटा बेस है जहाँ पे आपको कनाडा की हज़ारों कंपनीज की जो अप टू डेट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी और वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप जॉब सर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया बस आपको कार्ड बनवाने के बाद करना यह है कि गूगल में जाके ऑनलाइन जो पब्लिक लाइब्रेरी अकाउंट है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं आप अपना कार्ड नंबर एंटर करें और जो लाइब्रेरियन है वो आपको सिखा देंगे कि आपको ऑनलाइन कैसे लॉग इन होना है या साइन अप होना है और वहाँ पे आप स्कॉट्स डायरेक्ट्री जो है उसको आ, सर्च करेंगे और ये जो लिंक है हम इसे क्लिक करेंगे और इस पेज पर पे आप इस डायरेक्ट्री को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक वीडियो है जो कि आपको सिखाएगा कि इस डायरेक्टरी को यूज़ कैसे करना है तो गाइस इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए आप वो देख लीजिएगा वो वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि इस डायरेक्टरी को यूज़ कैसे करना है तो मैंने क्या किया मैंने जो भी अपने घर के करीब कंपनीज थी मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंजीनियरिंग कंपनीज उनको मैंने फ़िल्टर किया जो भी कंपनीज़ थी उनके जो भी हायरिंग मैनेजर्स थे उनका मैंने ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर ले लिया और फिर उन्हें अपनी रेजूमेस भेजना शुरू कर दी और पूछना शुरू किया कि क्या वो लोग लो हायर कर रहे हैं या फिर नहीं और कंपनी की वेबसाइट्स भी दी हुई होती हैं तो आप कंपनी को रिसर्च भी कर सकते हैं जॉब अप्लाई करने के पहले यहाँ कनाडा में एक और तरीका जॉब लेने का ये है कि आप अपने आप को ब्रिजिंग प्रोग्राम में रजिस्टर कर दें और ये ब्रिजिंग प्रोग्राम्स जो है ये इन एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर्स की तरफ से ऑफ़र होते हैं जे में वर्कशॉप वगैरह ख़त्म होने के बाद मेरी जो कंसल्टेंट थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एक ब्रिजिंग प्रोग्राम लेना चाहिए किसी और सर्विस सेंटर से क्योंकि जे वो ब्रिजिंग प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड करते तो मैं एक्सेस एम्प्लॉयमेंट चली गई पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और उन लोगों के पास बहुत सारे प्रोग्राम्स थे न्यू इमिग्रेंट्स को ऑफर करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर सेक्टर के लिए एक ब्रिजिंग प्रोग्राम था जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटी, हेल्थ केयर फाइनेंशियल जबकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग था तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इंजीनियरिंग कनेक्शन प्रोग्राम में थी और इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि यह आपको आपके सेक्टर्स में यानी कि आपकी फील्ड में या कैनडा में जॉब दिलवा सके क्योंकि इन लोगों के डिफरेंट एम्प्लॉय से कनेक्शंस होते हैं और आपको ये कैनडियन इंजीनियरिंग सेक्टर्स के बारे में सिखाते हैं आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं और आपको लेबर मार्केट के बारे में भी बताते हैं और आपको ये डिफरेंट जॉब सर्च स्ट्रेटजी सिखाते हैं और कनाडा में जो इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं वो भी करवाते हैं और इसके अलावा आपके प्रोफेशन का जो लाइसेंस का प्रोसेस है वो भी सिखाते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत से कैंडिडेट्स को हायर भी करते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर वॉक इन करके भी कर सकते हैं एक और स्ट्रेटजी जो मैंने सीखी वो ये कि आप कंपनीज़ में कॉल cool कॉलिंग कर सकते हैं या फिर डिफरेंट कंपनीज में आप वॉक इन भी कर सकते हैं तो मैंने भी यही किया जो जो कंपनी मैंने रिसर्च की थी इसकॉस डायरेक्टरी में वो मैंने शॉर्ट लिस्ट की और उन्हीं कंपनीज़ के कॉन्टेक्ट्स जो मैंने निकाले उन्हें मैंने फ़ोन किया और पूछा क्या वो लोग हायर कर रहे हैं या फिर उनके पास कोई जॉब पोजीशन है और कभी कभार मैं कुछ कंपनीज़ में वॉक इन भी करती और मुझे कभी कभार मौका भी मिलता लकीली एच आर मैनेजर से मिलने का और अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस डिस्कस करने का और समाइम्स अगर वो हायर नहीं करते तो मैं अपनी रेजुमें ड्रॉप ऑफ कर जाती और उनसे कहती अगर फ्यूचर में हायरिंग हो तो मेरी रजू ज़रूर कंसीडर करिएगा एंड गाइस ये सारी स्ट्रेटजीज काम आती हैं वाकई काम आती हैं यहाँ कनाडा में सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट तरीका जो जॉब लेने का है वो है थ्रू को या फिर इंटर्नशिप प्लेसमेंट तो गाइस अगर आपको कनाडा में इंटर्नशिप या फिर को मिल जाता है तो आप लकी माने खुद को और बहुत सारे स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो एडवर्टाइज़ नहीं करते और ये सारी चीज़ें आपको अपने फ्रेंड्स या फिर कनेक्शन से पता पड़ता है एंड ऑफ़ कोर्स मैं अपनी यूट्यूब फ़ैमिली से कैसे शेयर ना करती और अब आप भी जानते हैं इसके बारे में तो मैंने जो कोआब लिया वो इस स्कूल से था सेंट गैब्रियल और गाइज इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और ये भी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो कि न्यू कमर्स के लिए है और ये भी फ्री ऑफ चार्ज है और ये कोआप प्रोग्राम्स जो हैं इस्पेश इंटरनेशनल प्रोफेशनल ट्रेन लोगों के लिए है जो कि यहाँ कनाडा में आते हैं और जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं तो यहाँ पे क्लास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं जैसे कि कैनिडियन वर्क प्लेस रेजमे राइटिंग इनरव्यू स्किल्स और डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए डिफरेंट सैलरीज और भी बहुत सारी चीज़ें तो तकरीबन आठ हफ्तों में ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं क्लास में उसके बाद आपको ये कैनाडा की कंपनी में कोआप प्लेसमेंट देते हैं और गाइज़ मुझे भी इसी स्कूल के थ्रू एक और मोरिव कंपनी में कोआप मिला और वहीं पे मेरी परमानेंट जॉब हो गई और कनाडा में मेरी वो फर्स्ट इंजीनियरिंग जॉब थी जो कि मेरी खुद की फील्ड में थी तो गाइज़ जल्दी करें अपनी रर्जी कस्टमाइज़ करें और जो मैंने आपको तरीके बताए जॉब सर्च के अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे तो गाइज आई प्रॉमिस आपको ज़रूर जॉब मिलेगी जैसे मुझे मिली तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे थम्स अप दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक यू टेक केयर विल सी यू अगेन